गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपको दिख रही है, ये विंडो कौन सी है? ये विंडो है एमएस वर्ड की। ठीक है, कैसे पता? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, एरो का साइन क्या है? एमएस वर्ड। इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर थर्ड था, एडिटिंग इन एमएस वर्ड। तो सबसे पहले क्या था, हमें एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ टैब्स हैं आपको। ये क्या है? टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना, इंसर्ट करना, हमें पिक्चर इंसर्ट करनी कहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट में। तो किस में जाएंगे? इंसर्ट टैब में। ये इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ये इलस्ट्रेशन पे गए हैं। इलस्ट्रेशन पर कौन कौन से ऑप्शन है? पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। हमने कहाँ पर क्लिक किया? पिक्चर पर क्लिक किया। ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला। ठीक है, फाइल डायलॉग बॉक्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पिक्चर्स चूज करेंगे जो हमें अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक पिक्चर्स, वन मिनट, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से मैं पिक्चर्स सेलेक्ट कर रही हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ से मैंने पिक्चर स्टार्ट सेलेक्ट करने के लिए, इसमें सारी पिक्चर एक्चुअली यहाँ से, अभी हमें कौन से फोल्डर से सेलेक्ट करनी है मैं ये चेक कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसे फिर किस पे, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया, और इसे इंसर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए ये पिक्चर आ गई आपकी। तो इंसर्ट पिक्चर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस इंसर्ट बटन पर क्लिक किया, इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, यहाँ पे इलस्ट्रेशन पर गए, पिक्चर पर क्लिक किया, पिक्चर को सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, क्रॉपिंग द पिक्चर। नेक्स्ट क्या आपका, क्रॉपिंग द पिक्चर। ठीक है, तो अब देखिए क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब आ गया। देखो इससे पहले से व्यू था ना, ये देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेनू, रिव्यू एंड व्यू। फॉर्मेट एक अलग टैब आएगा। फॉर्मेट कब आएगा? जब आप पिक्चर को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बाद में ही अपीयर होगा, पहले अपीयर नहीं होगा। ये कब अपीयर होगा? जब हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नाउ देखो अब हम फॉर्मेट टैब पर गए, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए साइज़ ग्रुप कहाँ पे है, ये देखिए साइज़। ठीक है, ये साइज़ ग्रुप है, कौन फॉर्मेट में कौन कौन से ग्रुप है, पिक्चर स्टाइल, अरेंज, साइज एंड एडजस्ट। ठीक है, हम साइज़ पे गए तो यहाँ पे देखिए ये एट, ये आपको एट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 हमें क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ ब्लैक दिख रहे हैं, एक ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इस पिक्चर के साइज़ को मैच अरेंज कर सकें। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे माउस लेके जाइए, ये किसका साइन आ गया, एक एरो का साइन आ रहा है दोनों साइड से। अब इस साइन पे क्लिक कीजिए, ये प्लस का साइन आ गया, जैसे आप क्लिक करेंगे ये प्लस का साइन आ जाएगा, और इसे स्ट्रेच कीजिए या श्रिंक कीजिए। देखिए ये हो रहा ना, साइज हो गया ना। ठीक है, या फिर हम इसे और क्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए हम इसे किसी भी साइड से, ये जो एट इसकी साइड से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसे बढ़ाते हैं एक बार, एक मिनट, पहले हमें हमें क्या करना, क्रॉप करना है। क्रॉप करना मीन्स कुछ एरिया कट करना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, जो फ्लावर है ये इतना स्पेस है ना, इसको हम कट कर सकें। ठीक है, ठीक है, हम क्या कर चाहते हैं, इतना एरिया हम कट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, इसे यू कर दिया, ये एक्चुअली इस क्रॉप में गए। ठीक है, देखो अभी दिख रहा है आपको, हमें सिर्फ एक ही फ्लावर चाहिए। तो ये जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, एट ब्लैक्स दिख रहे हैं, हमें ये सिर्फ सिंगल फ्लावर चाहिए। तो देखिए ये क्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो किस पे था, इंसर्ट अ पिक्चर एंड क्रॉप अ पिक्चर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे